भगवान की और गुरु की निंदा करने वाले को तो छोड़िए, जो कान से सुनता है गौ हत्या के समान पाप होता है उसको। हर गुर निंदा सुन ही जो काना हो इत पाप गो घात समान। काक भुसुंडी जी कहते गरुण जी महाराज से, ये पाप है, इन सब प्रकार के पाप बिना भोगे समाप्त होने वाले नहीं है। अनजाने में जो पाप हो जाएंगे वो मिट जाएंगे, इसलिए भगवत नाम होता रहेगा तो वो पाप होने से हम बचे रहेंगे। नाम लेकर जाने अनजाने का पाप तो समाप्त होगा ही, और नाम लेते रहेंगे तो वो पाप हमसे होने वाला नहीं है, है? ये लाभ है इसका। इसलिए कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, एक ही स्वभाव बनाइए, एक ही स्वभाव। अरे सीताराम 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 कहिए, बहुत सुंदर। तो याद है, ये है आप लोगों को, अब आगे बढ़ा जाए प्रसंग। जब याद है तो हम कहा सुनावे। अच्छा, हम गाएं आगे से, पीछे से आप लोग गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 अभी आपसे कह रहा था। कई लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी बात। अब मैं ही अच्छा हूं ये बुरी बात, मैं ही अच्छा हूं या ये अभिमान है। और साधक कहता है सावधान, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। जीवन में होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए, चाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। एक मंत्र देता हूं आपको, जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए सात्विक काम, बिना कि किसी को गोली मारने जाए तो भगवान अब जा रहा हूं आप ही संभालिएगा, ना ना ना, सात्विक काम। कोई भी सात्विक कार्य करने जाइए तो करने के पहले एक एक वाक्य बोलिए, जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा, दास मैं तोरा करऊ सोवे, दास मैं तोरा। भगवान से कहिए कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
ये कार्य होने वाला है, हम आपकी शरण में है, हम निमित्त मात्र हैं, करने वाले आप, कराने वाले आप, जैसे मन करे आप करवाइए प्रभु, आज करवाइए, कल करवाइए। देखिए श्री रामचरितमानस में एक ही खानदान में दो लोगों को भगवान ने दर्शन दिया, एक ही घर में किसको मिला, बाबा को मिला और नाती को मिला, पोते को। बाबा कहे तो मनु महाराज और उनके पुत्र उत्तानपाद जी के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव जी महाराज, यानी मनु जी के पोता हो गए, वो मनु जी के लड़का उत्तानपाद, उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी महाराज। बाबा को भी दर्शन मिला, पोते को भी दर्शन मिला, लेकिन दोनों दर्शन में अंतर है। बाबा जी को 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी तब दर्शन मिला, अब पोते को 5 महीने में दर्शन मिल गया। बाबा जी बुढ़ा गए थे, चौथेपन में थे, पूरा धर्म अधर्म जीवन पाप पुण्य सब जानते हैं, 23,000 वर्ष लग गया। पोता अभी 6 साल का है, वो छोट लड़का है, अब 5 महीना में मिल गया। क्यों? बाबा जी को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था कि मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन पाऊंगा, पोते को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं था, पोते को भगवान की करुणा और कृपा पर भरोसा था कि भगवान की कृपा होगी तो दर्शन मिलेगा। पोते ने अपने आप को सौंप दिया तो 5 महीने में दर्शन मिल गया। कार्य करने के पहले भगवान को सौंपिए, साधक कहता है जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, एक बात कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे बीति राखे वाहे बीति रहिए, चाहे बीति राखे वाहे बीति रहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि बीति राखे राम वाहि बीति रहिए, जाहि बीति राखे अरे धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि बीधि राखे राम वाहि बीधि रहिए। ये
महामंत्र है, बस राम राम। अरे राम ही राम रटन लागे जी भिया। भगवत नाम कलिकाल में जहाँ हम और आप जी रहे हैं, भगवत नाम छोड़ के दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवंत नाम लेकर कलिकाल में गोस्वामी जी कहते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन राम भजे सुनो सखना। गोस्वामी जी ये छंद उत्तरकांड का अंतिम छंद है। कहते पाई न के ही गति, कौन गति नहीं पाया इस कलिकाल में, राम भजी सुनू हे सठ मन। गोस्वामी जी अपने को सठ बोल रहे हैं। गोस्वामी जी अपने को क्या बोले, सठ। हम क्या बोल रहे हैं, मानस मारतंड। आप दर्शन करिए, हमनी के अपना के संत बोल रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को सठ बोल रहे हैं, कितना अंतर है। बाबा कहते हैं कि पाई न कही गति पतित पावन राम भज, राम भज भज सुनो सठ मना। कौन कौन, उदाहरण देखिए, गणिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे। उदाहरण लीजिए, गणिका अजामिल गीध गज, गज के बाद आदि लिख दी, आदि खल जितने खल भय ये सब उद्धार हो गए सबका। और ये कोई जीवन भर राम राम नहीं बोले, कही नाम बारिक ते पिपावन हो ही राम नमः। बार राम कह के पतितों के से पावन हो गए। कौन, आभीर जमना किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। आभीर यमना किरात खस स्वपच आदि ये जो पाप के स्वरूप हैं, केवल एक बार जीवन में राम कह के ये सब पतित से पावन हो गए, ये भगवान के नाम की महिमा है और कलिकाल में है। इसीलिए भगवत नाम का आश्रय लीजिए, स्वभाव बनाइए, ये न केन प्रकारेण भगवान का नाम निकले। घर से निकलिए, राम राम कहिए, पहुंचिए राम राम कहिए, फोन उठाइए हेलो हेलो न बोलिए, हेलो। हमारे घर के पीछे एक चाचा थे, वो फोन उठाते थे तो पूरा इलाका सुनता था कि फोन आयल मा उनका घर, हेलो ऐसे बोलते थे वो, हेलो न बोलिए। हेलो जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया उसकी प्रेमिका का नाम था, ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन बनाया उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। वो फोन उठाया, अपनी प्रेमिका को बुलाया हेलो, तो वो तो आई नहीं, ग्राहम बेल चले गए। आज तक हम उनकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। इतना यदि भगवान को बुलाए होते तो शायद भगवान मिल गए होते अब तक हम लोगों को। नाम लेने का स्वभाव